नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज आप सभी के साथ हम एक बहुत बड़े टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि सर क्या एक एथलीट को धूम्रपान करना चाहिए, तो इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये मैंने पूरा एक वीडियो तैयार किया है और आप सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आप एक एथलीट हैं और या फिर आप एथलीट नहीं भी हैं, फिर भी आपको जानना जरूरी है कि क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, यस या नो, और सबसे ज्यादा एथलीट के लिए। देखिए अक्सर करके क्या होता है कि जब एथलीट एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, जब वो स्टेट या नेशनल लेवल का बहुत अच्छा एथलीट बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अब उसकी प्रैक्टिस पर कोई असर अब नहीं होगा। लेकिन ये गलत है। जब कभी वो प्रैक्टिस करता है और इस तरीके के पदार्थ लेता है, चाहे वो पेय के रूप में हो, चाहे वो निकोटीन के रूप में हो, चाहे वो गुटखा पान मसाला के रूप में हो, या फिर धूम्रपान यानी सिगरेट के रूप में हो, तो इसमें क्या होता है कि जब भी वो इस तरीके के निकोटीन पदार्थ लेता है या फिर धूम्रपान से संबंधित चीज़ें लेता है, तो उससे क्या होता है कि उसके जो लंग्स हैं कहीं ना कहीं वो अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो धुआं है वो अंदर ही अंदर एक एथलीट को कमज़ोर बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर करके क्या होता है कि जो उसकी स्पीड होती है वो कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट उसके स्टैमिना से पड़ता है, और जब स्टैमिना पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये उसकी परफॉर्मेंस यानी उसके प्रदर्शन को भी बेकार करता है। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि यदि आप एक बहुत अच्छे एथलीट हैं और एक अच्छे एथलीट बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, या फिर आप एक फौज या किसी डिफेंस से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी धूम्रपान, चाहे वो तम्बाकू के रूप में हो या गुटखा के रूप में हो या फिर किसी भी पेय पदार्थ के रूप में हो, आप ना लें। ये आपके लिए बहुत बड़ा सुझाव है मेरी तरफ से, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।